नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग फेड इन या फिर फेड आउट को अपने ऑडियो में अप्लाई करते हैं। अगर मुझे अपनी ऑडियो में कोई ऑडियो इफेक्ट को ऐड करना है, वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम ये भी जानेंगे। ऑडियो में की फ्रेमिंग किस तरीके से होती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपने किसी फुटेज में कोई इफेक्ट को ऐड किया हुआ है, चाहे वो वीडियो हो या फिर ऑडियो इफेक्ट हो, और आप सेम इफेक्ट को दूसरे फुटेज में भी पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, हम आज वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग फेड इन और फेड आउट किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यहां पे मेरे पास एक फुटेज है, इसको प्ले करके देखते हैं। आज डालियों की बेरी खाई जाली माजीडा। दोस्तों, मेरा ये जो गाना है ये एकदम से शुरू हुआ है। अब अगर मैं इसमें फेड इन अप्लाई करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा? आप प्ले हिट को लास्ट में ले जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं एक पॉइंट है। जैसे ही आप अपने उस पॉइंट में अपने माउस को ले जाएंगे, आप देखेंगे फेड ऑडियो इन का एक ऑप्शन है। अब आप इस पॉइंट को ड्रैग करके जितना आपको फेड इन करना है, आप अपने ऑडियो को उतना फेड इन कर सकते हैं। अब यहां पर से इसको प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं फेड इन अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से ऑडियो के एंड में अगर आप फेड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप यहां पर आपको फेड आउट का पॉइंट दिख जाता है, आप देख सकते हैं फेड ऑडियो आउट। आप इसको ड्रैग करके जितना आपको फेड आउट करना है, जहां से आपको फेड आउट करना है, आप उसको वहां पे उस पॉइंट को ले आइए, तो आप देख पाएंगे कि आपका ऑडियो फेड आउट हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे एंड में फेड आउट अप्लाई हो चुका है। अब बात करते हैं अगर मुझे अपने ऑडियो में कोई इफेक्ट को ऐड करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए आप यहां पर इफेक्ट पैनल में आपको वीडियो के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे फाइनल कट प्रो एक्स में बाय डिफॉल्ट आपको कई तरीके के ऑडियो इफेक्ट्स मिलते हैं, जिनको आप यहीं पे ही प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आप अपने फुटेज को सेलेक्ट कीजिए, अगर आप उसमें एलियन इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं अपनी ऑडियो में, तो आप यहां पर से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। लार्ज रूम को चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप डिफरेंट ऑडियो इफेक्ट्स को चेक कर सकते हैं और आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उस इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे लार्ज रूम ऐड करना चाहता हूं अपनी ऑडियो में, तो मैं इसको ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। इसको प्ले करते हैं। जैसे ही आप इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे फुटेज में, आप देखेंगे आपके ऑडियो इंस्पेक्टर के अंदर इफेक्ट टैब ऐड हो चुका है, जिसमें लार्ज रूम जो आपने इफेक्ट डाला है वो दिख रहा है। यहां पर से आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, आप प्रीसेट चेंज कर सकते हैं, लेक्चर रूम है, बेसिक है, आप ऑडियो के इफेक्ट के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा शो द एडवांस इफेक्ट एडिटर UI का, आप यहां पर क्लिक करके अगर आपको एडवांस्ड एडिटिंग करनी है तो आप यहां पर से भी इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको कई तरीके की प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आप एक या फिर एक से ज्यादा ऑडियो इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें लिमिटर भी ऐड करना चाहता हूं और कंप्रेसर भी ऐड करना चाहता हूं, ये दो काफी इंपॉर्टेंट हमारे ऑडियो इफेक्ट्स हैं, तो आप देखेंगे ऑडियो इंस्पेक्टर में मेरा कंप्रेसर आ चुका है और मेरा लिमिटर भी ऐड हो चुका है। यहां पर से मैं पैरामीटर्स को चेंज कर सकता हूं,
ऐसे ही मैं कंप्रेसर के पैरामीटर्स को चेंज कर सकता हूँ। कंप्रेसर में आपको प्रीसेट्स मिलते हैं कई सारे, आपको ड्रम्स का प्रीसेट मिलता है, उसके अंदर भी कई तरीके के आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, कीबोर्ड है, गिटार है, वॉइस है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिफरेंट ऑडियो इफेक्ट्स को अपने ऑडियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर मुझे अपने ऑडियो में क्रॉस डिसॉल्व डालना है तो वो मैं कैसे डालूंगा, अब इस बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर मेरे पास एक म्यूजिक ऑडियो है, एक म्यूजिक है, इसको लेते हैं, यहां पर ड्रैग करते हैं, और यहां पर मेरे पास दूसरा एक फुटेज है ऑडियो का, वो लेते हैं। यहां पर से मैं थोड़ा इसको ट्रिम कर देता हूं और इसको मैं यहां से ट्रिम कर देता हूं। अब देखते हैं कि क्रॉस डिसॉल्व कैसे काम आता है, पहले एक बार प्ले करके देखते हैं। थोड़ा सा और इसको ट्रिम करते हैं तब समझ में और अच्छे से आएगा। दोस्तों क्या हुआ, यहां पे मेरा ऑडियो में जंप आया है एकदम से, क्योंकि ऑडियो चेंज हुई है, ये दो डिफरेंट ऑडियोज हैं। ये एकदम से चेंज होने से क्या हुआ है, वो बहुत अब्रप्ट सा लग रहा है। अब अगर मैं इसमें मैं क्रॉस डिसॉल्व डाल देता हूं, क्रॉस डिसॉल्व का शॉर्टकट है कमांड टी, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और यहां से मैं इसके ट्रांजिशन को बढ़ा देता हूं, तो अब आप देखेंगे जो ट्रांजिशन हो रहा है मेरे दो ऑडियो के बीच में वो काफी स्मूथ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्रॉस डिसॉल्व को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग की फ्रेमिंग के बारे में, अगर हमें ऑडियो में की फ्रेम करना है तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। दोस्तों मेरे पास यहां पर एक फुटेज है, अब मैं यहां पर एक ये मेरा जो म्यूजिक का फाइल है इसको उठा के यहां पर ले आता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम करता हूं। अब मैं चाहता हूं दोस्तों जो मेरा ये म्यूजिक है ये जब इसकी ऑडियो एकदम से कम हो जाए, यहां पे म्यूट हो जाए मेरा इस एरिया में, मेरा ये जो ऊपर फुटेज है इतने में ये म्यूट हो जाए, तो मेरा ये जो साउंड है म्यूजिक का ये तेज हो जाए। समझते हैं कैसे। यहां पर अभी मेरा म्यूजिक है, इसको प्ले करते हैं। अब मैं इस एरिया में मेरी जो नॉइज है, जो मेरा ये वाले फुटेज की ऑडियो है, इसको कम करना चाहता हूं और मैं म्यूजिक की जो मेरी वॉल्यूम है उसको बढ़ाना चाहता हूं। तो ऐसे केस में क्या करना होता है दोस्तों, आपको की फ्रेम का यूज करना होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर की फ्रेम पे जाइए, यहां पर आपको ऐड की फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, आप यहां पर क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक वाइट डॉट यहां पर आपको दिख जाएगा, फिर आप अपनी प्लेहेड को यहां लाइए और यहां पर ऐड की फ्रेम कीजिए, फिर आपको यहां पर एक की फ्रेम को ऐड करना होगा और एक यहां पे। अब मैं इसको यहां से इसकी वॉल्यूम को नीचे कर सकता हूं, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। यहां पे हम लोग फेड इन कर देते हैं और यहां पर से इसको फेड आउट कर देते हैं। अब अगर मैं इस एरिया में अपने इस ऑडियो को बढ़ाना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा की फ्रेम में, ऐड अ की फ्रेम करूंगा, दूसरा मैं यहां पर, और फिर मैं यहां पर ले जाके और एक मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, और मैं यहां पर से इसकी वॉल्यूम को अप कर सकता हूं। तो अब कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देख सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप की फ्रेम यूज कर सकते हैं, आप अपने इफेक्ट्स में भी की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे की फ्रेम का ऐड का ऑप्शन आ रहा है, जहां जहां आपको ये ऑप्शन दिखता है प्लस का, आप उस चीजों को की फ्रेम कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मैंने यहां पर एक ऑडियो इफेक्ट को ऐड किया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसमें मैं वीडियो के इफेक्ट को भी ऐड कर देता हूं। अगर मैं इसमें कैमकॉर्डर का वीडियो इफेक्ट ऐड कर देता हूं, साथ में ही मैं बैट टीवी का ऐड कर देता हूं वीडियो इफेक्ट, ब्लूम ऐड कर देता हूं, और एक और फुटेज को लेकर आते हैं टाइमलाइन में। अब अगर मुझे मेरे इस वीडियो के जितने भी इफेक्ट्स हैं, चाहे वो ऑडियो के हों या फिर वीडियो के हों, इसमें पेस्ट करने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट करूंगा, कमांड सी कॉपी करूंगा, कमांड सी करके प्रेस, और फिर मैं उस फुटेज को सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे वो पेस्ट करना है इफेक्ट। अगर आपको मल्टीपल फुटेज में वो पेस्ट करना है इफेक्ट, सेम इफेक्ट, तो आप कमांड प्रेस करके मल्टीपल फुटेज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप एडिट में जाके पेस्ट इफेक्ट्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन फुटेजेस में भी आपके वो सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट ही पेस्ट करने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? इसको अंडू करते हैं, आप फुटेज में कमांड सी प्रेस कीजिए, अब आप उस फुटेज को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको पेस्ट करना है, एडिट में जाके यहां पे आप पेस्ट एट्रीब्यूट का एक ऑप्शन मिलता है आपको, आप उस पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर से आप, अगर ऑडियो इफेक्ट्स उसमें होंगे, तो आप यहां पर से ऑडियो इफेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और वो सारे इफेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पेस्ट करने हैं। अगर आपको ब्लूम और बैड टीवी पेस्ट नहीं करना, तो आप इसको यहां से डिसेबल कर दीजिए और अब इसको पेस्ट कर दीजिए। आप देखेंगे सिर्फ कैमकॉर्डर का ही इफेक्ट आपके फुटेज में ऐड हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों, आप इफेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर आपको एट्रीब्यूट्स रिमूव करने हैं, तो आप यहां पर से एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग ऑडियो इफेक्ट्स को अपने ऑडियो में ऐड करते हैं। इसके अलावा हमने एट्रीब्यूशन को किस तरीके से रिमूव और पेस्ट करना होता है वो सीखा, साथ में ही हमने फेड इन और फेड आउट किस तरीके से अप्लाई करते हैं और की फ्रेमिंग ऑडियो में कैसे करते हैं वो भी जाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।